हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये ब्लॉग में दोपहर में स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम कितना हो रहा है, टाइम इस समय 12:12 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में अपने मौसी के यहाँ चल रहा, मतलब हमारे अपने मम्मी के मामा के यहाँ जा रहा हूँ। जैसे वो हमारी मौसी लगती हैं जिनका छकुआरी है, तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं, कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो चुके हैं और मम्मी वहाँ पर पहले से ही कल ही छोड़ आए थे मैं मम्मी को। तो मैं भी चलता हूँ वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ वहाँ कैसा सीन है, कैसे सब कुछ वहाँ का आपको दिखाएंगे। तो फाइनली हम देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, दोपहर की एकदम कड़क धूप है। तो मैं गमछा वमछा बांध लेता हूँ, फिर इसके बाद चलता हूँ। तो चलिए हम साथ में चलते हैं, आप वीडियो में बने रहे, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला। तो फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड चलिए हम चलते हैं। फाइनली मैं इस समय कुंदनपुर नदी पे पहुंचा हुआ हूँ। देख सकते हैं ये टटरा है जिससे मैं उधर से आया, तो मैं पार हो चुका हूँ। देख सकते हैं साइकिल मेरी इधर खड़ी हुई है। मैं फाइनली उतर के मैं सोचा आपको भी क्यों ना ये नदी दिखा दूँ। देख सकते हैं पानी अभी नहीं है इसमें, जब बरसात का समय होता है तब इसमें पानी आ जाता है, अच्छा खासा भर जाता है। और इधर देख सकते हैं ये बगीचा है, ये घनापुर में आता है, मतलब ये कुंदनपुर में आता है, मतलब नदी के उस पार कुंदनपुर और इधर जो है खैनापुर में पड़ता है। तो फाइनली मैं इस समय चतुर्भुजपुर में पहुंचा हूँ। तो अब चलता हूँ अपने मामा के यहाँ पे, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक में ही है, यहाँ पे बस पहुँचने वाला हूँ। 5 किलोमीटर आ चुका हूँ, 2 किलोमीटर और है, मतलब कि 7 किलोमीटर पड़ता है, नज़दीकी में है, तो इसीलिए साइकिल से ही चले आते हैं। तो फाइनली अभी हम चलते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं वहाँ का सीन। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ जहाँ बताए थे आपको। तो देख सकते हैं ये हमारी नानी पानी वानी लेके खड़ी है। फाइनली खाना ना खा लिए, देख सकते इस समय कोको कोला। फिर लास्ट टाइम बता दे आपको क्या हुआ, जब नहर से इधर आए थोड़ा सा, जब आपको जो आपको दिखाए ये नहर है कुंदनपुर का, उससे जस्ट आ गया, तो वहीं कोई काटा वाटा था तो उसी में साइकिल पंचर हुई। वहाँ से पूरा पैदल पैदल आए, हम पूरा पसीने से एकदम भीग गए थे। तो आते ही मतलब बेना वाला अपना हवा लिए अच्छे से, तो इस समय ठीक ठाक हैं। तो अभी खाना वाना खा लिए फाइनली। वीडियो बहुत अच्छा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो नीचे लाल कर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दबा के बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे लाता रहूंगा, ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा, अपने घर परिवार एंड गांव में क्या हो रहा है सब चीज़ के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको इंजॉय के साथ इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगे। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट ब्लॉग मिलती है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद, टाटा बाय।